ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ ਸਾੜ ਦਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ तरन तारण नगर कौंसल वालों सरकारी जगह दे दी गई है जिन्हें भी रेहड़ी वाले ने कि सड़क के उपर रेहड़िया नहीं लगाएंगे क्योंकि एक गुरु घर जरा रस्ता जाता है बड़ी लोगों को मुश्किल आती है ट्रैफिक की समस्या से तो उनकी शिकायत लगातार पहुँच रही सी नगर कौंसल दे विच और उसके नाल ट्रैफिक पुलिस ने भी पहुँच रही ही कि रस्ते नहीं मिल रहे प्रशासन सुता है पर हुण वेखण नूं मिलिया कि प्रशासन वालों जिहड़ा वा ये जगह अलॉटमेंट की गई है और ये जगह के उपर हुण सारे जने जिहड़े रेहड़ियां वाले ने जिहड़ी अलॉट की है वह इस जगह के उत्ते ही अपनी रेहड़ियां लगाउणगे फ्रूट लगाउणगे सब्जी लगाउणगे तो किसी नूं कोई भी परेशानी जिहड़ी आ इत्थे नहीं आएगी पर वेखण नूं मिलदा इत्थे लगातार जो ये जगह के मालक दस रहे सी कहिंदे कि इत्थे अगर किसी ने जगह ते कोई रेहड़ी लगाई तो मैं इत्थे उन्हां उत्ते कार्रवाई करूँगा तो रेहड़ी वाले जिन्हें भी फ्रूट वाले सब्जी वाले वो डर गए सी तो इस करके उन्होंने फिर बाहर लगाया तो हुण अज प्रशासन वालों विश्वास दवाता कि यह जगह सरकारी है तो किसी ने भी डरन की जरूरत नहीं रेहड़ियों वाले जो अलॉट की जगह वा वो उस जगह पर ही रहन बाहर जाने बाहर नहीं रेहड़ियाँ लगा साढ़े इतों के भी लोग है भाजी किस तरह तुम्हें जगह अलॉट की गई है तो तुम इतने है जो की कहना चाहते हो भाजी ये सू गवर्नमेंट वालों जगह अलॉट की गई रेहड़ियों वास्ते तो बाकी इतने कुछ लोग है जो अपनी जगह के वास्ते इतों तो कह रहे कि साड़ी आ कागज चक्की फिरते फिर ही सानू प्रशासन ने इन्नी जिम्मेवारी दी आ कि कोई भी इतने बाहर का बंदा आके तुहानू तंग नहीं करेगा तुसीं अपनी दिते हुए नंबर से रेहड़ियां लाओ बाकी जिदा प्रशासन कहना सहमत उन्हां नाल पर तुहानू कोई दस दिए कि बंदा धमकी दिंदा कि मैं मर जूंगा मैं इस तरह हो जाऊंगा जे तुसीं इत्थे अड्डा लगाया भाजी कुछ बाहर के बंदे आ कागज चुकी फिरते कह रहे हैं कि साड़ी ये जगह वा निकलती है पुरानी जगह निकलती आ रही है असी प्रशासन को यो लिख के दिता कि जे कल कोई साडा नुकसान हो गया परसों भी बंदे आए थे धमकियां दे के गए आ जे किसी का कोई नुकसान होंगे फिर प्रशासन ही जिम्मेवार आ क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी साड़ी चुकी हुण कुछ बंद मालिक जो इतने आए हैं कागज चुकी फिर कहें केस चलन दिया ड्रेन महकमे वाले बाकी ये गल हैगी जगह ना लाओ प्रशासन सानू जगह नंबर बना के दे रहा वा असि तुम लाट की आ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ ਸਾੜ ਦਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ बिल्कुल जी रेहड़ियों वाले इतने रेहड़ियां लगाने तैयार ने और प्रशासन वेख सकते जो कि तरन तारण के नगर कौंसल के अधिकारी आए हुए ने सेंटर इंस्पैक्टर ने ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज भी है उसके नाल कि इतने जगह के उत्ते उन्होंने दसन के मुताबक धमकियां मिल रही ने कि अगर तुम इतने अड्डा लगया तो अड्डे के उपर अही आवे तो तू उस तंगी परेशानी जी बस मिल रही है पर लगातार प्रशासन जो तरन तारण का है वह रेहड़िया पर करवा रहा वा उसके दसिया जा रहा है कि असी हर एक जगह के उपर पूरा ख्याल रखा जा रहा है सेंटर इंस्पैक्टर जी है साढ़े नाल ने सेंटर इंस्पैक्टर साहब देखने मिल रहा कि लोग कह रहे हैं कि लोग इतने आन के धमकियां देंगे बंदूकों च फड़िया पेट्रोल फड़े हाथ च अगर तुम अड्डा लगाया तो असी इतने आन के तुहाडा नुकसान वो डरे हुए ने डरन तो करके कहिंदे इतने नहीं लगा रहे मैं क्या जी तुहानू मैं अगे भी दस चुका वा कि कुछ शरारती अंसर जिहड़े सी अपना बिना मतलब अपनी इस प्रोपर्टी के उत्ते अपना दावा ठोक रहे थे कि जी ये साडी प्रोपर्टी आ जबकि ये शहर जिहड़ा वा अंग्रेजां दे बण तों भी पहलां दा वसिया होया गुरु अर्जन देव पातशाह दे टाइम दा शहर वसिया होया और सब नूं पता वा कि ये जगह किहदी आ ये सरकार की जगह वा सरकारी प्रॉपर्टी है सरकारी प्रॉपर्टी दे विच कोई भी बंदा आके इंटरफेरेंस नहीं कर सकता वो पता नहीं कितों झूठे मूठे कागज अपने बना के बैठा सीगा वो कल
पता लगा सी कल या परसों कुछ अठ दस बारह बंदे अणपछाते लैके आया सीगा कि इन्हां नूं कहिंदा सी मेरी प्रॉपर्टी आ, मैं तुहानूं इत्थे लगान नहीं देना, तुसीं जे इत्थे अड्डे लगाओगे तो मैं तुहाडे नाल आ कर दूंगा वह कर दूंगा। ठीक है, वह सारा सारा कुछ इन्हां रेहड़ी दुकानां वालियां वल्लों साडे ध्यान च लिआंदा गया सी। उहदे विच अज साडे वल्लों पुलिस प्रशासन वालों एक रिटन दे विच रिपोर्ट जिहड़ी आ अपने डिपार्टमेंट नूं कीती गई आ। उस रिपोर्ट के बेस से डिपार्टमेंट वालों जिहड़ा वा रिटन दे विच पुलिस प्रशासन नूं लिख दिता गया इन्हां दी सुरक्षा वास्ते, और कल तो इन्हां दी सुरक्षा वास्ते उन्हां वालों भरोसा दिता गया। एमएलए साहब भी उत्थे सीगे, साडे साडे ऑफिसर वगैरह भी उत्थे सीगे, उन्हां वालों यह भरोसा दिता गया कि कल तो इत्थे पुलिस प्रोटैक्शन जिहड़ी है इन्हां नूं पुलिस सहायता दिती जाएगी, पुलिस जिहड़ी इत्थे इन्हां कोल तैनात रहेगी, पुलिस नाल रहेगी, नाल साडे नगर कौंसल दे इंप्लाइज भी असीं इन्हां नूं देवांगे। कोई भी इन्हां दे खिलाफ कोई कोई स्टैप लएगा तो उहदे खिलाफ जिहड़ी वैसे भी पहलां ही आपां रिटन दे विच लिख के भेज दिता उहदे खिलाफ कार्रवाई करन वास्ते। मे बी हो सकता कि पुलिस ने अपनी उन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई करन वास्ते अपना स्टैप लै भी लिया होएगा, नहीं होएगा इन केस जे वो कोई स्टैप लएगा तो उहदे खिलाफ जो भी ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।